जी हाँ, सुनने में यह एक अजीब सी बात लग रही होगी, पर यह एक हकीकत है। जहां प्रदेश के सबसे बड़े एम्स अस्पताल की मर्चुरी रूम में महीनों से स्ट्रेचर पर रखा एक शव अपने अंतिम संस्कार का इंतजार करते करते कंकाल बन गया है। दरअसल मानवता को शर्मसार करती यह तस्वीर दिल को झंझोर कर रख देने वाली है। वहीं प्रदेश के सबसे बड़े एम्स अस्पताल अपनी लापरवाही के चलते हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। वहीं दिल को झंझोर देने वाली यह तस्वीर एम्स अस्पताल के मर्चुरी रूम की है, जहां शव स्ट्रेचर पर रखे रखे कंकाल बन गया, जहां जिम्मेदार अधिकारियों पर अब यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे। एक शव महीने तक मर्चुरी रूम में पड़े पड़े स्ट्रेचर पर कंकाल हो गया। किसी जिम्मेदार अधिकारी को इस बात की भनक भी नहीं लगी, और अगर इस बात की शिकायतें की गईं तो क्यों इस मामले में संज्ञान तक नहीं लिया गया। अब सवाल तो यह खड़ा होता है कि अगर कोई अज्ञात शव पुलिस बरामद करती है तो पोस्टमार्टम के लिए उसे एम्स अस्पताल की मर्चुरी रूम में रखा जाता है। शव के पोस्टमार्टम के बाद 3 दिनों तक अगर उसकी शिनाख्त नहीं होती है तो नगर निगम और एनजीओ के माध्यम से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। पर इस शव के कंकाल होने पर भी अब तक तो ना इसका पोस्टमार्टम हो पाया और ना ही पुलिस विभाग द्वारा इस पर कोई संज्ञान लिया गया। वहीं अस्पताल में जिम्मेदारों की बात करें तो शव बुरी तरह खराब होते होते बदबू मारने लगा। कई बार कर्मचारियों द्वारा इस शव को लेकर शिकायतें भी की गईं, लेकिन अब तक जिम्मेदार अधिकारियों ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। अब अगर बात करें कि आखिर इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है, जहां शव को स्ट्रेचर पर रखे रखे महीनों बीत गए और किसी को इसकी जानकारी तक नहीं लगी। COVID-19 के तहत जहां प्रशासन द्वारा गाइडलाइन के तहत हॉस्पिटल और अन्य संस्थानों को रोजाना सैनिटाइज भी करना है, लेकिन वहीं मर्चुरी रूम में रोजाना आने वाली कोरोना संक्रमण के शव को रखा जाता है, लेकिन बदहाल हुई मर्चुरी रूम में ना तो सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। वहीं मर्चुरी रूम में भी देख रेख या मेंटेनेंस के कार्य के लिए कोई जिम्मेदारी अधिकारी नहीं है। तो कहने को तो यहाँ 16 फ्रीजर शवों को रखने के लिए मौजूद हैं, लेकिन अधिकांश फ्रीजर बंद होने के कारण कई शव बाहर ही रखे रखे बदबू मारने लगते हैं। मानवता को झंझोर के रख देने वाली यह तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिम्मेदार अधिकारी अपना फर्ज किस तरह निभा रहे हैं। अम्बा हॉस्पिटल से 200 कदम की दूरी पर बने मर्चुरी रूम के बाहर स्ट्रीट लाइट बंद है, जिसके कारण अंधेरा होने से अधिकांश बार स्ट्रेचर पर शवों को रखते समय कई बार शव स्ट्रेचर से नीचे भी गिर चुके हैं। आखिर सवाल यह भी खड़ा होता है कि रोजाना पोस्टमार्टम के लिए 20 से 25 और उससे अधिक शवों को रोजाना मर्चुरी रूम में लाया जाता है। पुलिस, हॉस्पिटल स्टाफ, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सहित तमाम लोग वहां मौजूद होते हैं, लेकिन यह शव आखिर आंखों से इन अधिकारियों के कैसे ओझल हो गया। इस शव को आखिर यहाँ पर कौन लाया था? क्या पुलिस ने अज्ञात शव को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ भिजवाया था, या फिर कोई परिजन घायल अवस्था में लाने के बाद एमवाई में हुई मृत्यु के बाद शव को यहाँ छोड़ गए? क्यों आखिर एमवाई के जिम्मेदारों ने इसकी जानकारी पुलिस तक को नहीं दी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही पर सवाल उठाते हैं। अब क्या इन जिम्मेदारों पर प्रशासन अपनी नकेल कसेगा, या फिर वह हमेशा की तरह कागजी कार्रवाई कर जाँच के नाम पर अनदेखी करते हुए इन जिम्मेदारों को ऐसे ही छोड़ देगा? हाँ, इसको मत लाना नीचे वाला। नहीं नहीं, ये 10 दिन पुरानी बॉडी, मैंने जानकारी निकाली कि मेरे पास सुबह आया था फोन, तो अज्ञात की बॉडी है। अज्ञात की बॉडी हम एक हफ्ते तक वैसे भी रखते हैं कि कोई पहचान हो जाए, लेकिन अभी उनको उन्होंने नगर निगम को इन्फॉर्म किया है या नहीं किया, उसके लिए मैं नोटिस जारी कर रहा हूँ कैजुअलिटी इंचार्ज को। अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, किसकी लापरवाही है, तो लापरवाही तय की जाएगी। इसमें निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये अज्ञात की बॉडी है, अज्ञात की बॉडी 7 दिन तो रखी जाती है कम से कम। लेकिन हाल फिलहाल में तो इतने बुरे हाल है कि बाकी परिजन भी वहाँ से भाग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, उसको वहाँ से हट गई ये बॉडी, जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ पर नहीं है। लेकिन चूंकि अभी क्या है, अभी हमारे पास नॉर्मल बॉडी भी आ रही है, कोविड की बॉडी भी आ रही है, तो इस समय जो जगह है उससे ज़्यादा डेड बॉडी है। लेकिन अब चूंकि और कहीं बॉडी रखा ही नहीं सकती है, तो ये बड़ी समस्या है। हमारे पास अभी मॉर्चुरी सिर्फ एमवाई की है पूरे इंदौर में, उसके अलावा कहीं भी मॉर्चुरी नहीं है। तो अगर कहीं बाहर भी डेथ होती है कोविड की, तो वो बॉडी भी एमआई में आके रखा रहे हैं। तो अभी हमारे पास बॉडियों की संख्या बहुत अधिक है। डीप फ्रीजर हमारे पास अभी 16 है, और बॉडी की संख्या रोज़ कई बार एक ही दिन में 21 डेथ हो जाती है, 22 डेथ, 25 डेथ हो रही है। तो आप फ्रीजर की संख्या सीमित है, हम ऑलरेडी उसके लिए हम पत्र लिख चुके हैं कि और फ्रीजर लगाया जाए।
जैसी प्रक्रिया से और खरीद जाएंगे उसके बाद हम उसको और बेहतर करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो संसाधन है उसके हिसाब से हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन सर अभी आपकी जानकारी के बता दो, फिलहाल में वो बॉडी वहीं है और बाकी जो परिजन है शायद वो भी वीडियो या फोटो खींच रहे हैं, वो बॉडी वहाँ से हट चुकी है, वहाँ पर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।